I am starting chapter 2 for class 6 in science. The name of chapter is component of food. क्या नाम है इसका? Component of food. अर्थात कौन कौन से इसमें component पाए जाते हैं भोजन के अंदर. तो component of food में we study the following points. First point is what do different food item contain? यानी कि जो भी हम फूड तैयार करते हैं उसके अंदर डिफरेंट इंग्रेडिएंट यूज करते हैं और एक फूड आइटम में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं. एक फूड आइटम में डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं और कंपोनेंट को किस नाम से जान सकते हैं? न्यूट्रिएंट्स के. यानी कि एक फूड आइटम में डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं अर्थात डिफरेंट न्यूट्रिएंट होते हैं और उनके नाम क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स. और इसके अतिरिक्त फूड में डाइट्री फाइबर एंड वाटर आल्सो प्रेजेंट. दोबारा समझिए, एक फूड आइटम में क्या कंपोनेंट हो सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल और इसके अलावा डाइट्री फाइबर एंड वाटर आल्सो प्रेजेंट. अब इनके बारे में जानिए. कार्बोहाइड्रेट सभी मीठी फलों में चीजों में होता है, जैसे शुगर हो गई है, मैंगो हो गया इसमें या बनाना हो गया, कार्बोहाइड्रेट है. ऐसी बच्चों फैट जो ऑयली चीज है जैसे घी हो गया, ऑयल हो गया, सब फैट पाया जाता है. प्रोटीन सभी दाल वाली फसलों में, एग्स में है, यानी कि पल्सेस में पाया जाता है, एग्स में पाया जाता है, मीट में पाया जाता है. विटामिन और मिनरल्स जनरली ग्रीन वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं बच्चों. अब रही बात डाइट्री फाइबर्स की. डाइट्री फाइबर्स जो है वो हमारे ग्रीन वेजिटेबल्स में पर्याप्त मात्रा में होते हैं और वाटर जनरली सभी फूड आइटम में होता है. ये बात अलग है कि कहीं ज्यादा कहीं किसी में कम. अब रही बात ये कि भाई ये जितने भी हमने आपको कंपोनेंट समझाए, अब इनकी फूड के अंदर प्रेजेंस का भी पता लगाना आवश्यक है कि भाई कौन सा कंपोनेंट फूड में है कौन सा नहीं है. जैसे टेस्ट ऑफ स्टार्च, अभी यहां कोई स्टार्च वर्ड नहीं आया, तो कार्बोहाइड्रेट ही स्टार्च है. कार्बोहाइड्रेट ही स्टार्च है. फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है इसकी एक तरह से कैसे पहचान करें, इसका टेस्ट कैसे करें? तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक फूड आइटम ले लेंगे और इसके पश्चात इसमें आयोडीन का सॉल्यूशन डाइल्यूट रूप में, उसकी दो तीन बूंद यानी टू और थ्री ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन की इस फूड आइटम में डाल देंगे. फिर कुछ समय पश्चात हम कलर देखेंगे फूड आइटम का. यदि ये कलर ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है तो ये डिमोस्ट्रेट करता है कि फूड आइटम में स्टार्च मींस कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल है. समझ गए? फूड आइटम में आपने आयोडीन सॉल्यूशन की दो तीन बूंद डाली जिससे पूरे इस मिक्सचर का कलर कैसा हो गया? ब्लू ब्लैक. टेक किसकी प्रेजेंस को शो करता है? स्टार्च को. अब टेस्ट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन है या नहीं है, तो इसके लिए बच्चों आप फूड आइटम लेंगे. जैसे आपने पल्सेस ले लिया है या पोटैटो ले लिया है या राइस ले लिया है, तो ये आप या तो पेस्ट के रूप में लेंगे या पाउडर के रूप में, यानी कि पेस्ट और पाउडर फॉर्म में लेंगे. समझे? तो इस पेस्ट का मतलब होता है कि भाई ज्यादा मतलब एक तरह से गाढ़ा सॉल्यूशन, तो पाउडर आप जानते ही है. इस फूड आइटम में आप 10 बूंद पानी की डालोगे. यू विल पुट 10 ड्रॉप ऑफ द वाटर और इसको आप हिलाएंगे, सेक वेल. अच्छा, अच्छी तरीके से इसको हिला लेंगे. इसके बाद 2 ड्रॉप्स आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की डालेंगे. इसके पश्चात 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की डालेंगे
और बच्चों इसके पश्चात 10 ड्रॉप्स कास्टिक सोडा की इसमें डाल देंगे और पूरे मिक्सचर को आप अच्छी तरीके से हिलाएंगे। यू विल शेक द मिक्सचर प्रॉपरली फॉर 10 मिनट्स, अर्थात 10 मिनट बाद आप इस मिक्सचर का कलर देखेंगे। क्या देखेंगे? कलर। यदि वायलेट कलर का हो जाता है, कैसे कलर का? वायलेट कलर का, तो बच्चों प्रोटीन इसमें प्रेजेंट है, अदरवाइज नहीं है। तो ये सारी चीजें देखो, मैंने लिखा है कि आप फूड आइटम लेंगे जिसमें आपको प्रोटीन चेक करना है, उसमें 10 बूंद पानी की डालेंगे, हिलाएंगे उसको अच्छे तरीके से, फिर 2 बूंद आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की डालेंगे, फिर इसके बाद 10 ड्रॉप्स आप कास्टिक सोडा की डालेंगे, पूरे मिक्सचर को अच्छे तरीके से हिलाएंगे, 10 मिनट आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और देखेंगे कि पूरे मिक्सचर का कलर यदि वायलेट हो जाता है तो प्रोटीन की प्रेजेंस है फूड आइटम में। अब टेस्ट फॉर फैट, फैट है या नहीं, इसका टेस्ट तो बच्चों बहुत आसान है। इसमें क्या है, फूड आइटम लिया आपने, फूड आइटम जो है वो आपने किसी कागज के टुकड़े में लपेट लिया, कागज के टुकड़े में फूड आइटम को रैप किया और इसके बाद क्रश किया, उसको रगड़ा, रनिंग किया। यदि उस पेपर पर ऑयली पैच आपको दिखाई देते हैं, ऑयली धब्बे दिखाई देते हैं, तो उन ऑयली पैच के थ्रू आप किसी लाइट को देखिए, किसी बल्ब को देखिए, यदि आपको उसका फेंट लाइट आ जाती है तो आप सोचिए कि वो उस फूड आइटम में फैट है। क्या किया आपने, एक कागज में किसी फूड आइटम को रैप किया, उसको क्रश किया, उस पर यदि ऑयली पैच आ जाते हैं तो उसको लाइट के सामने देखा, समझे नहीं, सपोज कागज है तो लाइट के सामने ऐसे करके देखा तो आपको यदि दिखाई दे जाती है डिम लाइट उसमें, तो ये शो करता है कि इस फूड आइटम में फैट है। तो ये रहा, ये और भी होते हैं लेकिन आपके कोर्स में 3 ही ये टेस्ट लिखे हुए हैं बच्चों। अब नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर अवर बॉडी, हमारे शरीर में अलग अलग जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो क्या करते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट और फैट की बात करें, दोनों ही एनर्जी गिविंग फूड हैं, दोनों ही कैसे न्यूट्रिएंट है बच्चों, ये एनर्जी गिविंग, कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी से भी एनर्जी मिलती है, फैट से भी। लेकिन बात यह है कि यदि फैट से कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी मिलती है, एग्जांपल यदि आप 100 ग्राम घी यूज कर रहे हैं और दूसरी स्थिति में आप 100 ग्राम शुगर यूज कर रहे हैं तो आपको 100 ग्राम घी से ज्यादा एनर्जी मिलेगी बच्चों। फिर आ जाइए प्रोटीन पर, प्रोटीन जो है उसका ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है बॉडी में, ग्रोथ जिसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कह सकते हैं। तो ये जैसे आप बच्चे हैं, आप छोटे बच्चे हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको ये फूड यूज करना बहुत जरूरी है बच्चों, है। और ये सभी दाल वाली चीजों में, एग्स में, समझे, और मीट वगैरह में, इनमें सब में मिलता है बच्चों। रिपेयर ऑफ अवर बॉडी, कोई टूट फूट हो जाती है कोई एक तरह से आपकी बॉडी में, तो उसको रिपेयर करता है, समझे नहीं। तो ये फूड इस तरह से इंपॉर्टेंट है फूड आइटम। अब देखिए इसके बाद में विटामिन्स, समझे, ये क्या है, ये जो न्यूट्रिएंट है प्रोटीन, ये हमारी ग्रोथ में, रिपेयर ऑफ बॉडी में आवश्यक है। नेक्स्ट जो न्यूट्रिएंट्स है वो विटामिन आते हैं बच्चों। विटामिन जो है वो प्रोटेक्टिंग फूड कहे जाते हैं, एक तरह से प्रोटेक्टिंग ऑफ अवर बॉडी, हमारे शरीर को एक तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षित करते हैं, रोगों से बचाते हैं। जैसे एग्जाम्पल ए, यदि डेफिशियंसी ऑफ विटामिन ए हो जाए तो हमारे नाइट ब्लाइंडनेस जैसी स्थिति जाती है, एक बीमारी है जो हमें रात में नहीं दिखाई देता, पुअर विजन हो जाता है, कभी कभी लॉस ऑफ विजन हो जाता है परमानेंटली, है। तो ये कीप अवर स्किन, हमारी त्वचा को भी ये सही रखता है विटामिन ए, और हमारी आई साइट को भी ठीक रखने में सहायक होता है विटामिन ए। अब विटामिन ए के बाद आप जानते हैं बी, लेकिन बी जो है वो एक तरह से बहुत सारे इसके कंपोनेंट होते हैं, एक तरह से विटामिन B1, B4, B6, B12 ऐसे, लेकिन हम यहां पर केवल B1 की बात कर रहे हैं। और ये जो है इसकी कमी से हरी सब्जियों में पाया जाता है बच्चों, बेरी बेरी नामक डिजीज हो जाती है
और जिसके कारण वीक मसल्स, आपकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और ऐसे लगता है कि आपके शरीर में एनर्जी नहीं है, लिटिल एनर्जी टू वर्क, काम करने के लिए आपके शरीर में ताकत ही नहीं है, तो ये विटामिन B1 की वजह से होता है आपके शरीर। अब आ जाइए विटामिन सी, हेल्प द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द मेनी डिजीज, अनेक रोगों से लड़ने की क्षमता आती है इस विटामिन से, है डिजीज फाइटिंग कैपेसिटी इस विटामिन की वजह से आती है। और यदि विटामिन सी नहीं है तो एक रोग हो जाता है जिसको स्कर्वी कहते हैं, यानी कि ब्लीडिंग फ्रॉम गम, अर्थात मशरूड़ों से खून आना, है इस तरह से इस टाइप की बीमारी हो जाती है इससे। अब विटामिन डी, विटामिन डी जो है वो एक तरह से बच्चों हमारे कैल्शियम, समझे, कैल्शियम के यूज को बढ़ाता है, यानी कि इट हेल्प द बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, क्योंकि कैल्शियम आप जानते हैं बोन्स के हड्डियों के लिए, दांतों के लिए ये बहुत जरूरी है, और ये किसकी प्रेजेंस में यूज हो सकता है, विटामिन डी की उपस्थिति में। और यदि हम कैल्शियम हमारी बॉडी में एक तरह से डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है बच्चों, कैसी बीमारी, रिकेट्स। अब आ जाते हैं मिनरल, मिनरल्स बच्चों ये एक तरह से ये भी प्रोटेक्टिंग फूड ही समझिए, एक तरह से प्रॉपर ग्रोथ के लिए आवश्यक है, मेंटेन गुड हेल्थ, एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक होता है बच्चों। जैसे कैल्शियम की बात करें तो बोन्स और टीथ के लिए इंपॉर्टेंट है, ये कैसा मिनरल है, बोन्स और टीथ के लिए जरूरी होता है, और यदि जो है यदि ये प्रॉपर नहीं है तो हमारी जो बोन्स है और टीथ है उनका डिके होने लगता है। नेक्स्ट है मिनरल आयोडीन, आयोडीन बच्चों इसकी डेफिशिएंसी गले में एक गाइटर डिजीज हो जाती है, अर्थात एक एक जिसे कहते हैं फोड़ा, हिंदी में कहते हैं उसको फोड़ा टाइप की, हाँ ऐसे फोड़ा सा दिखाई देता था, बहुत ही एक तरह से गलत सा लगता है, और जो आयोडीन की डेफिशिएंसी कारण होता है जिसको हिंदी में घेंगा रोग बोलते हैं बच्चों। तो आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से कौन सा रोग हो जाता है, गाइटर डिजीज हो जाती है बच्चों, ठीक है। और ये साल्ट वगैरह जो समुद्र के आसपास रहते हैं उनको ये आयोडीन पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। फिर आगे आयरन, बच्चों आयरन जो है वो एक तरह से हमारे लिए बहुत उपयोगी मिनरल है, यदि इसकी डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाती है तो बच्चों इसके वजह से एनीमिया नामक डिजीज हो जाती है, अर्थात इसको हिंदी में अरक्तता कहते हैं, अर्थात खून की कमी। इसलिए सभी हरी सब्जियों में, अमरूद में, फलों में यानी गुआवा में ये पर्याप्त मात्रा में होता है आयरन, है ऐसे ही बकरी का दूध है यानी गोट मिल्क है उसमें भी ये पर्याप्त मात्रा में होता है। फिर आगे है डायट्री फाइबर्स, जिसको बच्चों रफीज के नाम से भी जाना जाता है, समझे, डायट्री फाइबर्स रफीज बच्चों, ये किस में अवेलेबल हो सकते हैं, पल्सेस में, पोटैटो में, फ्रेश फूड में, वेजिटेबल्स में, इनमें पर्याप्त मात्रा में होते हैं बच्चों। इनका जो विशेष हमारे लिए रोल है, ये हमारे एक तरह से अपचन को ठीक करते हैं, इट हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेशन फूड, यानी कि जो भोजन पचता नहीं है यदि हम एक तरह से डायट्री फाइबर का यूज करेंगे तो हमें अपचन की स्थिति नहीं होगी, अर्थात अनडाइजेशन की कंडीशन नहीं होगी। इसलिए हमें जैसे भोजन में सलाद यूज करते हैं, समझे ना, तो सलाद ही आपका डायट्री फाइबर्स के रूप में भी काम आते हैं। तो ये रहा, दिस इज द एंड ऑफ माय वीडियो, नेक्स्ट आई विल टीच यू नेक्स्ट टाइम।